मारने से नौकरी मिलेगी, बस रोकने से नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर जेल चले जाएंगे तो कुछ पैसा हमारा बचना जरूर शुरू हो जाएगा भोजन का। अब जो आप दिल्ली में रहते हैं ये सब पैसा बच जाएगा। और ये खाना तो हमारा है इस भारतवर्ष में, इससे बड़ा खाना पार्लियामेंट से बड़ा खाना कहीं नहीं है। इस थाने में 2000-4000 लोगों को रखने की व्यवस्था है, और जब हम वहां बैठे होंगे तो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी कि ये भोजन कैसे करेंगे, ये यहां कैसे नहाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। अब चाहे थाने में खाए और चाहे जेल में ले चले, अगर हमारी समस्या जो है वो बहुत, अगर हमें तो उसमें से जो एक मांग हमने दिया है उसमें आपको 5 मिनट लगेंगे। कितना? आप निर्देश जारी कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, आप निर्देश जारी कर दीजिए, समस्या का समाधान कराना शिक्षा मित्र जानता है। आप जैसे ही निर्देश जारी करेंगे लक्ष्मण मेला मैदान फिर खाली है, हम करा लेंगे। इसलिए बात आप करिए, आपने 3 बजे तक कहा है, हमारे शिक्षा मित्र साथी भाई बहन बहुत धैर्यवान, जब 3 दिन से ये भूखे प्यासे, अभी भाई कह रहे थे कि गांधी जी आश्रम में रखते थे, मेरे पास इतना बड़ा आश्रम नहीं है, लेकिन हमें सड़क पर रह करके इनको भूखों प्यासों रह करके और अपनी जिंदगी के लिए अपने सम्मान के लिए लड़ना सिखा दिया है, और एक खूब भली भांति सीख चुके हैं। अगर सीख न रहे होते ये लड़ना जन्म देना, तो इतनी बड़ी तादाद में ये संख्या हमारी घट नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार उतनी ही संख्या मेंटेन है, ये बैठते ना। इसलिए ये पूरी तरह से लड़ाई के मोमेंट में और लड़ाई को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि लड़ाई हमारी लंबी है, और इस लंबी लड़ाई में अगर मैं धैर्य के साथ नहीं लड़ा तो निश्चित रूप से मैं बड़ा हो जाऊंगा। 4 महीने के बाद हमने पिछला भी पूरा वेतन मान और मानदेय लेने का काम किया, बीजेपी के अभी मुझे कोर्ट पर भी भरोसा है, बीजेपी का तमाम लोग मानते हैं कि कोर्ट, पहले जब हम लोग कहते थे तो लोग कहते थे कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, वो ना हम कहते थे ना आप कहते थे, आपके साथ जुड़े हुए सोशल मीडिया के वो लोग कहते थे जो आपके बीच में जयचंद का काम करते हैं, जयचंदों का काम करते हैं, जो विभीषण का काम करते हैं, जो आपको भड़काने का काम करते हैं, जो शिक्षा मित्रों को भड़काने का काम करते हैं, जो वो लोग कहते थे। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि 10,000 होगा, हमारा तो कुछ फायदे फायदा है, अब वो जाने दे मास्टर रहे, वो भी मेरा शिक्षा मित्र नहीं लिख रहा, और जो लिख रहा होगा उसकी मानसिकता बहुत ही गंदी और निहायत निचले स्तर की सोच होगी। अगर 1,37,000 अध्यापक बने थे तो जो पीछे 26,000 की लाइन खड़ी थी, कोर्ट का मामला ना होता तो वो भी अध्यापक की कतार में खड़े हो। 1,37,000 का रिश्ते हो जाएगा, उसके लिए अगर सरकार को फोन करना पड़ेगा तो 26,000 भी 10,000 छोड़ के 40,000 में खड़ा हो
बोल रहे हैं। तमाम लोग कल गुजरात के साथी आए थे मंच पे समर्थन देने, सांसद का चुनाव हम दिल्ली से लड़ेंगे, सांसद का चुनाव आप यूपी से लड़ेंगे और डिजिटल इंडिया की धमक महाराष्ट्र से गुजरात में करेंगे तो उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा देने के लिए तैयार है। आज मैं आपके दलील पर खड़ा हूं, कल आप मेरी दलील पर होंगे। अगर आपसे भरोसा उठ गया माननीय मंत्री जी तो बहुत दिन के लिए आपका मंत्रालय चला जाएगा और बहुत दिन बाद आप वापस आए हैं और बहुत दिन बाद फिर आप सपना देखने का काम करेंगे। अभी कल एक बयान आया है हमारे यूपी मंत्री का कि शिक्षा मित्र पठन पाठन को छोड़ करके नाजायज आंदोलन कर रहे हैं। महोदय, इन्हीं शिक्षा मित्र नेताओं से आप कह रहे थे, इन्हीं से आप भाग भाग में मीटिंग कर रहे थे और किसी एक पार्टी से आप निकाले हुए व्यक्ति थे और जब जनसमूह ने आपको समर्थन दिया तब आप मंत्रालय में बैठे हैं। आपको कहने में शर्म नहीं आ रही है कि शिक्षा मित्र नेतागिरी कर रहा है? नेतागिरी तो आप कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो राजनीति के शिकार हैं, ये 100% है। आपने हमारे साथ कोर्ट में भी राजनीति किया है, ओट में भी राजनीति किया है और जो देना था उसमें भी राजनीति किया है, पीठ में छुरा मारने का भी काम किया है। 5 सितंबर को 40,000 रुपये 10,000 ला करके और पीठ थपथपा करके भी धोखा करने का काम आपने किया। बड़े उत्साह के साथ उनके प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमने तो शिक्षा मित्रों को 3,500 से 10,000 कर दिया, 3 गुना। और ये कहीं नहीं बोले कि 3 गुना घटा दिया, घटाए हैं कि बढ़ाए हैं? आप उनको घटाओगे कि बढ़ाओगे? फिसल सूत्रों से यह भी पता चला है कि अब ये राजनीति चलेगी, आपकी भी राजनीति चलेगी और जितेंद्र सहायक शिव कुमार शुक्ला और शिक्षा मित्रों की भी राजनीति चलेगी। जब तक एक एक शिक्षा में सहायक अध्यापक नहीं बन जाएगा, अगर हमने 14 साल नोमेंट चला के सहायक अध्यापक बनवाने का शासनादेश जारी करने का काम किया, भाई अनिल जी कह रहे थे हमने भीख नहीं मांगा किसी से, हमने संघर्ष करके अपने आप को अपने पद पर स्थापित करने का काम किया था। यह वो संगठन है जो विश्व में वो पहला संगठन है जिसने इतनी बड़ी तादाद में संविधान से समायोजन कराने का काम किया था। और महोदय आप ये भूलिएगा मत, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम लोग आगे चलना जानते हैं, हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, हम चलते जाएंगे और आपको कुछ दिन बाद फिर मिलते जाएंगे, दिन बाद दिन मिलते जाएंगे, समय समय पर मिलते जाएंगे और एक दिन वो भी समय आएगा कि मजबूर होके पुनः शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थापित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये एसटीपीए प्राथमिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा जाटव जी, विनोद नागर जी, भीम यादव जी, बलदेव प्रसाद पांडे प्रांतीय महामंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज करके और शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निदान के लिए अपील किया है। बहन पुष्पा जाटव जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और ऐसे वो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जो आज शिक्षा मित्रों की आवाज को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को पत्र लेकर के आगाह कर रही है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। किसान यूनियन के साथी कल हमारे बीच में